हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। मैंने अमेजोन से ये नेल ड्रिल मशीन परचेज़ की है 947 रुपीस की। आई पे ऑन होगा और ओ पे ऑफ, ग्रीन इंडिकेटर। ये फॉरवर्ड है, ये न्यूट्रल है और ये रिवर्स है। रिवर्स पे हमेशा नॉर्मली जो राइट हैंड साइड के लोग होते हैं वो यूज़ करते हैं, और फॉरवर्ड हमेशा लेफ्ट साइड के लोग, ताकि हमारी डस्ट जो है हम पर आए, क्लाइंट पे नहीं। और आप अपने हैंड पीस को डीसी आउट में करेंगे प्लग। ये हमारी बिट्स, ये बेसिकली आपको पुश करना है अंदर की ओर। अगर आप ऐसे देखिए, थोड़ी बहुत भी पुश नहीं किया और बाहर रह गई तो ये ऐसे शेक करेगी, तो आपको पुश करना है जहाँ तक कि ये जा सकती है वहाँ तक। सेम प्रोसेस रिमूवल का भी होगा, आपको बस पुश करके बाहर निकालनी है। ये मैं इसके साइड्स को क्लीन करने में यूज़ करती हूँ। बेसिकली ये बिट्स जो है आपके क्यूटिकल को अपवर्ड कर देती है, ताकि कटिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से इसने क्लीन भी कर दिया मेरी जेल नेल पे। प्लस ये वाली जो ड्रिल है, ये नेल के एक्सटेंशंस में जब आपको छोटा सा होल करना होता है पियर्सिंग वगैरह के लिए, तब ये बहुत अच्छे से काम आती है। स्पीड हमेशा स्लो तेज़ वो आपको अपने हिसाब से करनी है, बट थोड़ा ध्यान से पहले स्टार्टिंग में स्लो ही रखें, अदरवाइज ये इधर उधर फॉल होती है और कहीं लग भी सकती है। और ये नेचुरल नेल्स पे नहीं, एक्सटेंशन पे ही होल करें इससे। आप देख सकते हो मैंने बहुत मिनिमम स्पीड पे ही किया है। और ये देखिए, आप इसमें पियर्सिंग, कोई भी स्टोन या फिर किसी भी चीज़ को इंसर्ट कर सकते हो। बाकी कॉर्नर्स के लिए ये दो बिट्स और हैं, इससे मैं ब्लेंड भी कर लेती हूँ और कॉर्नर्स भी आपको बफ अच्छे से, बहुत आराम से बफ हो जाते हैं। कई कई बार हम लोग ब्लॉक बफर से करते हैं और कॉर्नर्स हमेशा हमें ऐसे छूट जाते हैं, और इससे सॉफ्ट ब्लेंडिंग भी हो जाती है बहुत अच्छे से। और शेप देने के लिए भी मैं ये बिट्स का यूज़ करती हूँ। इसको निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा खींच के निकालना पड़ता है, पुश लगता है इसमें। और ये वाला स्पेशली जो साइड्स को, अगर आप बहुत किसी के नॉर्मल क्यूटिकल्स हैं और साइफ करना है, और ये नॉर्मल क्यूटिकल्स के लिए बहुत अच्छी है। और प्लस ये रिमूवल भी कर रही है जेल नेल पेंट का। बाकी जेल नेल पेंट के रिमूवल के लिए एक्स्ट्रा बिट इसमें है। ये दोनों ब्लेंडिंग के लिए काम आती है, बफिंग के लिए बहुत अच्छे से ये दोनों बफ करते हैं। आपका एक्लेरिक एक्सटेंशंस हो, जेल नेल पेंट एक्सटेंशन हो, ये दोनों पे ही बहुत अच्छे से बफ कर देते हैं। बस आपको स्पीड बहुत मिनिमम रखनी है, क्योंकि कई कई बार ज़्यादा स्पीड होने की वजह से वहाँ से नेल बफ हो जाता है जहाँ से हमको नहीं चाहिए होता है, एपेक्स बिगड़ सकता है। इसलिए बहुत लो स्पीड पर बहुत आराम से कर सकते हो। जो आपको घंटों घंटों लगते हैं बफिंग करने में, वो इस मशीन से बहुत आराम से बफिंग हो रही थी, एज़ यू कैन सी। लास्ट ड्रिल जो है हमारी, ये जेल नेल पेंट रिमूवल के लिए है, और ये बहुत हार्ड और बहुत जल्दी इसने जेल नेल पेंट रिमूव किया है। इसकी स्पीड मिनिमम ही रखिएगा, अब धीरे धीरे बढ़ाइएगा, अदरवाइज़ ये नेल में एक सेंसेशन आ जाता है, ऐसा लगता है कि फील होता है कि कुछ निकल गया है, कुछ फील हो रहा है। होपफुली आप सीख गए होंगे कि नेल्स की बिट्स को कैसे यूज़ करते हैं। और प्लीज़ इन्हें अपने हैंड्स में यूज़ करने से पहले किसी डमी पे, किसी फेक नेल पे यूज़ कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय बाय।